हेलो फ्रेंड, मैं आज भेलपुरी बना रही हूँ। उसके लिए एक बड़ा प्याज काट ली हूँ, एक टमाटर, ये हरी मिर्च है, ये छोटा छोटा दो आलू का टुकड़ा कर ली हूँ और ये नींबू काट ली हूँ। गैस की तरफ चलती हूँ, गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी हूँ। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं। तेल गरम हो गया है, इसमें दो चम्मच मूंगफली के दाने डाल दूंगी। इसे भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा भूनेंगे। मूंगफली हो गया है, अब ये मुरमुरा है, इसके अंदर मुरमुरे को डाल देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर है, इसे डाल देंगे। जैसा आपको तीखा खाना है वैसा ही डालिएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुरमुरा क्या होता है कि रखने से ये अजीब सा हो जाता है, थोड़ा सा कढ़ाई में भून देने से ये फिर करारी हो जाती है। देखिए भून रहा है तो करारा बना रहा है इसके अंदर। इसमें ये जो सेव बोलते हैं इसे भी डालेंगे, ये अपनी इच्छा अनुसार जितना इच्छा करें डाल सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। ऐसे भी शाम के टाइम चाय के साथ इसे खा सकते हैं। देखिए इसे निकाल ली हूँ, अब इसमें प्याज डाल दूंगी। साथ में टमाटर, ये आलू का टुकड़ा, आलू का टुकड़े से इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये हरी मिर्च, चाट मसाला, इसमें काला नमक, थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे। ये इमली का चटनी है, हरी चटनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं ये पापड़ सेक ली हूँ, लेकिन वो जो पापड़ी होता है वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज वो नहीं है इसलिए मैं पापड़ सेक दी हूँ। इससे भी टेस्टी होता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हरी चटनी भी डाल सकते हैं। ये आधा नींबू का टुकड़ा है, इसे डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल जो रोड साइड भेलपुरी मिलता है बिल्कुल वैसे ही है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, खाने के लिए रेडी हो गया। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।